हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ अपनी मम्मी की एक ख़ास रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चने की दाल की पूड़ियाँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और इन पूड़ियों के साथ ही साथ दाल को उबालते समय जो हम पानी यूज करते हैं, उस पानी का मैंने एक तक्कड़ बना करके तैयार किया है, जो मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा बनाती हैं। तो अगली बार जब भी आप दाल बनाइएगा तो उसकी जो पानी बच जाता है उसको फेंकेगा नहीं, मेरी तरीके से तक्कड़ बना करके तैयार कीजिएगा। आपको बहुत पसंद आएगी, आप इसको बार बार बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन पूड़ियों को बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कटोरी चने की दाल, और इसको अच्छे से बीन लिया है, मतलब इसमें कोई कंकड़ वगैरह ना रहे, तो इसको अच्छे से साफ करके देख लिया है। अब हम इसको 2 से 3 बार पानी से धुल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको धुल लिया है। अब हमें इसे बॉईल करना है, मतलब उबाल लेना है। तो आप चाहें तो इसको खुले बर्तन में लगभग 5 से 7 मिनट के लिए तेज आंच पर उबाल सकते हैं, या फिर मेरी तरीके से इसको कुकर में भी उबाल सकते हैं। तो अगर आप इसको कुकर में उबाल रहे हैं तो आप इसमें 2 गिलास पानी डालिएगा, क्योंकि मैंने जैसे पहला ही बताया था आपको कि इसकी हम एक कढ़ी बनाएंगे, मतलब कि एक तक्कड़ बनाएंगे जो इसमें जो पानी बचता है उसका, तो आप पानी ज़्यादा ही डालिएगा। और अब हमें इसे सिर्फ 1 सीटी लगाना है, तो आप भूल कर भी इसमें नमक नहीं डालिएगा और इसको ज़्यादा सीटी मत लगाइएगा। अगर आप 1 से ज़्यादा सीटी लगा देंगे तो आप चने की दाल बना देंगे, जो हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है। दाल को सिर्फ इतना ही गलाना है ताकि हाथ पे मसलने से ये अच्छे से टूट जाए, तो हमें इसको दाल नहीं बनाना है। तो मैंने लगभग 1/2 चम्मच इसमें डाल दिया है हल्दी, और अब हम इसमें ढक्कन लगा करके 1 सीटी आने देंगे, और जैसे ही 2 सीटी आएगी हमें गैस बंद कर देना है। तो ये देखिए 1 सीटी लग चुकी है, और जैसे गैस पूरी तरीके से निकल चुका है, मैंने ढक्कन खोल लिया है। अब हम इसके पानी और चने की दाल को दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखिए दाल को सिर्फ इतना ही गलाना है, हाथों से तोड़ने पर ये अच्छे से टूट जा रहा है, और ये थोड़ा थोड़ा सा सूखा सूखा भी लगेगा, ताकि आप जब इसकी पूड़ियां बनाए तो ये आराम से भर सके। अब हम इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए, और जो ये दाल का पानी बचा हुआ है अब हम इसका चलिए तक्कड़ बना लेते हैं, जब तक हमारी दाल ठंडी होती है। तो चलिए दाल को ढक करके हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और मैंने एक पैन गरम कर लिया है, और इसमें लगभग डाल देंगे 2 से 3 चम्मच सरसों, या फिर रिफाइंड आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा आता है। अब तेल गरम हो जाने पे हम इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च, तो मैंने 3 सूखी लाल मिर्च डाल दी है, और इसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग, और इसके बाद 1/2 चम्मच मेथी डाल देंगे। और इसके बाद डाल देंगे कटा हुआ लहसुन, 6 से 7 कलियां मैंने अच्छे से काट लिया छोटा छोटा, इसको डाल देंगे और इसको भून लेंगे जब तक कि ये लाल ना हो जाए। और जैसे ही लहसुन हमारा लाल हो जाएगा, जो हमारा ये पानी है दाल का, इसको हम इसमें डाल देंगे, और अब हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक मीडियम आंच पे पकने के लिए रख लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के लिए नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिए। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमारी दाल ये उबली हुई है, लगभग 2 से 3 चम्मच हम दाल ले लेंगे, और इसको अच्छे से मसल लेंगे, और इसके बाद इसी तक्कड़ में हम इसको भी डाल देंगे। इसको डालने से जो हमारी ये कढ़ी है वो थोड़ी सी गाढ़ी बन जाती है, और इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इस
तक्कड़ को टोटल लगभग 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाएंगे। तो इस तरीके से आप ये तक्कड़ बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप एक बार ये बना लेंगे तो अगली बार जब भी आप चने की दाल की पूड़ियाँ बनाएंगे तो आप इसका पानी बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये जो दाल की तक्कड़ है ये बहुत ही चटक बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखिए हमारी तक्कड़ बन करके तैयार है। अब आखिरी में हम इसमें डाल देंगे लगभग आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा अमचूर पाउडर। आप चाहें तो अगर आपके पास खड़ी खटाई है तो इसको भी डाल सकते हैं। अब अमचूर पाउडर डालने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और हमारा जो ये तक्कड़ है ये बन करके तैयार है। तो लीजिए ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा चने की दाल के पानी का तक्कड़ बन करके तैयार है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और इसके बाद चलिए देख लेते हैं चने की दाल को। तो ये देखिए हमारी दाल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे। तो हमें मिक्सर में इसको सिर्फ 1 सेकंड के लिए चलाना है और उसके बाद बंद कर देना है, क्योंकि ये पहले से ही उबली हुई है तो इसको ज़्यादा हमें पीसने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 सेकंड में ही ये अच्छे से महीन हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी दाल पीस करके तैयार है। ऐसे ही हम बाकी की अपनी सारी दाल पीस करके तैयार कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल सूखा सूखा ही पीसा है। ऐसा ही हमें इसको बना करके तैयार करना है। तो ऐसा बनाने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमारी दाल सिर्फ 1 सीटी पर ही उबलनी चाहिए। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी की जितनी दाल है इसको भी इसी तरीके से हम पीस करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए सारी दालें पीस करके तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दें। और इसके बाद हम डाल देंगे लगभग 1 चम्मच खड़ा जीरा या फिर साबुत जीरा। और इसके बाद इसमें डाल देंगे चुटकी भर हींग और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथे से मसल करके मिला देंगे। तो ये हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। तो ये लीजिए हमारी दाल अच्छे से मिक्स हो गई है नमक और जीरे के साथ। अब हम इसका गोला बना करके तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से गोल गोल बना करके पहले से भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो भरते समय डायरेक्ट उठा करके इसको, जैसे हम पूड़ियाँ या फिर पराठा बनाते समय आलू के पराठे जैसे हम बनाते हैं तो भरते हैं, वैसे भी आप डायरेक्ट भर सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी दाल के मैंने अलग से लड्डू बना करके तैयार कर दिए हैं और मैंने आटा पहले से गूंथ करके तैयार कर लिया। तो जैसे हम नॉर्मली घर पे आटा गूंथते हैं रोटियों के लिए, उसी तरीके से इसका आटा हमें गूंथ करके तैयार करना है। अब हम एक एक लोई लेकर के इसकी कटोरी बनाते जाएंगे, जैसे हम घर पे आलू के पराठे बनाते हैं उसी तरीके से एक एक लोई को उठाते जाएंगे और इसमें अपने दाल भरते जाएंगे और अच्छे से दोनों उंगलियों की मदद से इसको दबाते हुए चारों तरफ से आटा को उठाते हुए इसकी कटोरी बना लेंगे। इसको अच्छे से सील कर देंगे और जैसे हम पराठे भर करके बनाते हैं उसी तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी रोटी बना करके तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसकी साइज छोटी भी रख सकते हैं या फिर बड़ी भी रख सकते हैं, जैसा चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी पूड़ियों को भी बेल करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक साथ 2 से 3 पूड़ियाँ बना करके पहले बेल करके तैयार कर ली हैं। इसके बाद हम इसको छानने के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे।
तो मेरी मम्मी इस तरीके से बनाती हैं इन पूड़ियों को। सबसे पहले तवे पे दोनों तरफ से रोटी की तरह सेक लेती हैं, इसके बाद छानती हैं। आप चाहें तो जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं समय तवे पर ही घी लगा लेते हैं, वैसे ही आप चाहें तो बिल्कुल इस समय इस पे घी लगा करके इसका पराठा बना करके तैयार कर सकते हैं, या फिर इसको दोनों तरफ से सेक करके अच्छे से पहले रख लें और इसके बाद तेल गरम करके इनको छान लेंगे। तो मैं इसी तरीके से बना रही हूँ जैसे मेरी मम्मी बनाती है। तो पहले हम दोनों तरफ से इसको रोटियों की तरह सेक लेंगे और इसके बाद तेल गरम कर लेंगे और गरम तेल में हम इसको छान करके तैयार कर लेंगे। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे भी बना सकते हैं। तो बाकी सारी पूड़ियों को हम एक बार इसी तरीके से दोनों तरफ सेकने के बाद तेल में छान करके निकाल लेंगे। और आप चाहें तो बिना सेके डायरेक्ट तेल में भी छान सकते हैं, या फिर आप इसको तवे पर भी जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। तो ये हमारी चने की दाल की पूड़ियाँ बन करके तैयार हैं और इसके साथ ही बहुत ही टेस्टी सा ये चने का दाल का तक्कड़ बन करके तैयार है, जो इसके साथ कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगली बार आप जब भी खाना बनाएं किसी त्यौहार के मौके पर तो ये चने की दाल की पूड़ियाँ और ये तक्कड़ ज़रूर बना करके एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो लीजिए मेरी ये थाली बन करके तैयार है। और ये पूरा वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।